अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की यूथ विंग ने 3 अक्टूबर 2023 को पोर्ट ब्लेयर शहर के टीएसजी एमराल्ड व्यू होटल में एक विशाल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया। सम्मेलन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से होटल और रेस्टोरेंट उद्योग के प्रतिनिधियों की भारी भीड़ देखी गई। इस कॉन्क्लेव का आयोजन पर्यटन उद्योग में विभिन्न टिकाऊ प्रथाओं पर दर्शकों को चर्चा करने, शिक्षित करने और सहयोग व साझेदारी के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसका उद्देश्य ANN द्वीप समूह में जिम्मेदार आतिथ्य और पर्यटन को बढ़ावा देना है। स्वागत भाषण ACCI यूथ विंग के अध्यक्ष फरहान जड़वेत ने दिया। बाद में मुख्य अतिथि स्मृति द्वारा कॉन्क्लेव का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। नंदिनी महाराज, IAS विशेष सचिव IPNT ANN प्रशासन द्वीप प्रज्वलन समारोह के साथ। इसके बाद पुरस्कार समारोह हुआ, जिसमें स्थायी पर्यटन में योगदान देने वाले प्रमुख हितधारकों को सम्मानित किया गया। विचारों का आदान प्रदान हुआ, सार्थक बातचीत हुई, जो लंबे समय में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन उद्योग में उन्नति के योगदान देगी। नंदिनी महाराज ने अपने संबोधन में टिकाऊ पर्यावरण पर्यटन के लिए एक गंतव्य के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अद्वितीय गुणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन उद्योग में सुधार के लिए अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा की गई पहलों को भी सामने रखा। कॉन्क्लेव में विभिन्न विषयों पर मुख्य पैनल चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने हरित भविष्य के लिए स्थिरता और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। पैनल सत्र ने सतत पर्यटन और हरित निवेश पर ध्यान केंद्रित किया। इस चर्चा की मेजबानी ANEMCO के निदेशक जड़बेत ने की। पैनल के सदस्यों में रामकृष्ण, सहायक निदेशक भारत पर्यटन, अनिल कुमार GM CGS अर्थ मोहम्मद शामिल थे। साजिद MD अंडमान एस्केपेट्स, अरुण सिंह अध्यक्ष एवियंस क्लब, मुकेश्वर लाल एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और इतिहासकार। चर्चा निवेश निर्णयों में स्थिरता को बढ़ावा देने, हरित पर्यटन और अपशिष्ट प्रबंधन आदि पर नीतियों के इर्द गिर्द घूमती रही। पैनल सत्र सेकंड ने अंडमान में पर्यटन के मुद्दे और भविष्य विषय पर चर्चा की। इस चर्चा की मेजबानी TSG होटल्स एंड रिसोर्ट के निदेशक दक्षिण भास्कर ने की। पैनल के सदस्यों में M. विनोद सदस्य, LG सलाहकार समिति मोहम्मद श्री मोहम्मद शामिल थे। परवेश GM ANIIDCO, गिरीश अरोड़ा पूर्व अध्यक्ष ACCI, CS अशोक निदेशक मकरूस और श्री VV सिंह पायलट पवन हंस। विशेषज्ञों ने सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ गठजोड़ करके और कनेक्टिविटी समस्या, उच्च हवाई किराए, पर्याप्त हेलीकॉप्टरों, क्रूज जहाजों और समुद्री विमानों की अनुपलब्धता जैसे मुद्दों से निपटने के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन को बेहतर बनाने के तरीकों की खोज की अंतरद्वीप क्षेत्र में। अंत में AICC यूथ विंग के सदस्य आयुष कंदोई द्वारा प्रस्तावित धन्यवाद के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। ACCI यूथ विंग द्वारा आयोजित पर्यटन कॉन्क्लेव अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपनी तरह का पहला सम्मेलन है। इसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन उद्योग के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया, साथ ही व्यवसायों को स्थिरता और जिम्मेदार प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, एक हरा भरा और सामाजिक रूप से जागरूक भविष्य बनाए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।